नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ कनिका। लसारी गेट थाना क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी गली नंबर 18 से एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। यहां के रहने वाले आस मोहम्मद नाम का व्यक्ति मामूली चाउमीन स्टॉल लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आस मोहम्मद का आरोप है कि जब वह अपने घर का बिजली का बिल जमा कराने के लिए बिजली घर पहुंचा तो बिजली घर के कैश काउंटर पर बैठे कैशियर ने उसे 1,82,00,000 रुपए का बिजली का बिल बता दिया, जिसको सुनते ही आस मोहम्मद के होश उड़ गए। जबकि आस मोहम्मद का कहना है कि उसका बिजली का बिल 3,410 का है। अब ऐसे में पीड़ित उपभोक्ता आस मोहम्मद बिजली अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। आज मोहम्मद जी क्या हुआ ना? मैं गया था जी बिजली घर पे। पहले तो मेरा बिल जो खो गया था, जो 2 महीने का बिल आया था, तो मैंने कंप्यूटर पर जाकर लिखा लिए। मैंने कहा जी मेरा बिल निकलवाना है 2 महीने का। अच्छा जी, उन्होंने कंप्यूटर पर देख के बिल निकाला तो उन्होंने बिल में थे मेरे जो थे 3,409 रुपये। उन्होंने 3,410 रुपये का बिल बना कर दिया, इस पर लिख के दे दिया बिल पर। मैं लेकर आ गया, वहाँ भीड़ ज़्यादा हुई थी लिसाड़ी गेट और विकासपुरी में। मैं पहुँचे जाकर कॉलोनी, जाकर कॉलोनी में मैंने बिल जमा करना चाहा तो फिर उन्होंने कहा बिल दिखाओ जी। तो मैं ऊपर गया, महबूब है कोई अधिकारी, उनके वहाँ उन्होंने कहा कि 3,410 रुपये है। अच्छा जी, वहाँ से आया मैं काउंटर पे, तो वहाँ उन्होंने कहा, मैंने बिल दिया तो उन्होंने अपने कंप्यूटर में देखा तो उन्होंने कहा 1,82,000 रुपये का बिल है। अच्छा जी, तो फिर मैं महबूब के पास गया, उन्होंने कहा भाई बिल तो सही है, मगर जी कैश तो कैशियर को जमा नहीं कर रहा। वहाँ से आकर मैं गया विकास उस पर लिसाड़ी गेट, वहाँ भीड़ ज़्यादा थी। वहाँ से आ गए लोगों जी, काउंटर बंद हो गया 2 बजने वाले। मैं आ गया विकासपुरी में, विकासपुरी में मैंने लाइन में लग गया, वहाँ 20-25 आदमी थे, उन्होंने गेट बंद कर दिया। मेरे को भाई इन आदमियों का बिल जमा होगा। अच्छा जी, तो हमारे नंबर जब आया, हमने बिल जमा दिया, उन्हें करा और पैसे दे दिए। मेरे को रसीद थोड़ी देर में मिलेगी। फिर थोड़ी देर बाद में आवाज़ लगती है कि आस मोहम्मद कौन है? मगर जी मैं हूँ। तो उन्होंने पैसे मुझसे, जो मुझे पैसे मैंने दे दिए सारे, तो उन्होंने कहा उड़े को आओ। मैं गया उनके पास, उन्होंने कहा कि बिल तो तुम्हारा बहुत महंगा भैया, ये बिल जमा नहीं होने का। अब उन्होंने कितना बिल बताया था? उन्होंने 1,00,00,000 से ऊपर का बताया था। कितना बताया था? ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, 1,00,00,000 से ऊपर ही बताया था। हाँ, ये बिल जमा नहीं होने का, आप आना पीर में। तो आपकी लाइट कटी हुई है? नहीं, मेरी लाइट मशीनों वाली कटी हुई है। कब कटी थी आपकी? हो गए दिखे हैं 8 दिन तो हो गए दिखे हैं 8। जब आप बिजली घर बिजली घर पे गए, जैसे कि आप कह रहे हैं चल रही है 2,250 रुपये का बिल, ये किसने कहा था? ये यहाँ भी गया जाए कॉलोनी उस पर। अच्छे, वहाँ भी गया यही पेट्रोल पंप के सामने, उसका पेट्रोल बिजली घर पर कैशियर ने कहा था। हाँ जी, अपना बिल जमा कराया या आपका बिल जमा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, उन्होंने वापस भेज दिया पैसे हाथ में लेकर इन्होंने विकासपुरी वालों ने। अब कह दिया भैया अब तुम आना पीर में, जब देखेंगे क्या होगा। क्या काम करता हो? क्या काम है? बच्चे का ठेला लगा रहा है हमारे, एक चीज़ का ठेला लगा चाउमीन का। इसकी आपने कहीं और शिकायत की है? नहीं, अभी नहीं करी कहीं शिकायत, क्योंकि हमें पीर में कहा था पीर में आएगा। ये जो विकासपुरी का बिजली घर पर जो कैशियर है उसने कहा था पीर में आना।